हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शैमरॉक आदर्श। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं 8th क्लास के सेकंड चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड और हमारे दुश्मन कैसे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटी की थी फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद किया था वो कहाँ पे रहते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं हमें चीज़ें बनाने के लिए। और नेक्स्ट, ये तो हेल्प पड़ी थी, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है उनके। ये हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए कैसे हार्मफुल होते हैं, कैसे हानिकारक होते हैं, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे लिए खतरनाक होते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिशीज इन ह्यूमन बींग, प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बीमारियाँ कर देते हैं लोगों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच ए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजन। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियाँ पैदा कर देते हैं वो है पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथ एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। कुछ एनिमल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, कपड़े को ख़राब कर देते हैं, लेदर के बने कपड़े जैसे लेदर को ही ख़राब कर देते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलग अलग हार्मफुल एक्टिविटी जिनसे हमें हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है डिशीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज़ कर देते हैं और कैसे हो जाती है। पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। जो पैथोजन है हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर चले जाते हैं जब हम हवा में सांस लेते हैं, जब पानी पीते हैं, जब फूड खाते हैं, उनसे हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं। दे कैन आल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एनिमल्स। ये ऐसे भी हो जाते हैं जब हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन के पास चले जाएं, जब इन्फेक्टेड एनिमल के पास चले जाएं, उसके द्वारा हमारी बॉडी में चले जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, माइक्रोब्स डिशीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कंटेक्ट, आर्कल कम्युनिकेबल डिशीज। कम्युनिकेबल डिशीज क्या होती है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन से बीमारी हेल्दी पर्सन से के पास चली जाए, किसके थ्रू, हवा के द्वारा, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे हाथ मिलाने के द्वारा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से होती है, तो वो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिशीज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डिशीज़ के एग्ज़ाम्पल है जैसे क्लोरिया जिसे हैज़ा बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, जुकाम, चिकन पॉक्स, पिंपल्स हो जाते हैं बॉडी पर वो, और ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, खांसी। व्हेन अ पर्सन सफर फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। जब किसी पर्सन को जुकाम हो और वो छींके लगाता है, तो वो छींक लगाता है तो जो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, तो वो मॉइस्ट ड्रॉपलेट्स होती हैं जिसमें क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ वायरस होते हैं, वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। जब हम जाके उस एयर में सांस लेंगे तो जो वायरस होंगे हवा में मिक्स होंगे, तो अब हमारी बॉडी में चले जाएंगे, तो और हम भी बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिशीज। और ये एक क्वेश्चन है कि हम इन कम्युनिकेबल डिशीज के फैलने से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरीज ऑफ डिशीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या है, कुछ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डिशीज कैरिंग माइक्रोब्स को अपने साथ लेके चलते हैं। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ द सच कैरीज। द जो हाउस फ्लाई है वो क्या, मक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, ऐसे ही डिशीज अपने साथ लेके चलती हैं। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रेटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। व्हेन द फ्लाइज सिट ऑन अ अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर टू द पैथोजन। और क्या कहते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदी जगह पर जैसे गार्बेज जहाँ एनिमल वेस्ट होता है उस पर बैठ जाती हैं, तो जो पैथोजेनिक नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। और आगे वो फ्लाइज क्या करती हैं, जो अनकवर्ड फूड होता है, ढका हुआ खाना नहीं होता, उस पर बैठ जाती हैं और क्या करती हैं, पैथोजन नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ छोड़ जाती हैं। हुएवर ईट द
ईट द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। जब वो कोई आदमी उस फूड को खाता है, गंदे फूड को खा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। तो ये एडवाइस दी जाती है कि उस फूड को ढक कर रखना चाहिए और जो फूड ढका हुआ नहीं है उसे खाना नहीं चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरीज इज़ द फीमेल एनोफिल्स मस्कीटोस। एक और एग्जाम्पल है फीमेल एनोफिल मस्कीटो, यानी कि फीमेल मच्छर की, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। उसके पास क्या होते हैं, मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं। फीमेल एडियोज मस्कीटो एक्ट एज अ कैरी डेंगू वायरस। एक फीमेल और है जिसका नाम है एडियज, जो क्या करती हैं, डेंगू के वायरस को अपने साथ लेके जाती हैं। मलेरिया और डेंगू जो दो बीमारी हैं जो मच्छर से होती हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मलेरिया और डेंगू को। व्हाई डज अ टीचर कीप टेलिंग अस नॉट वी लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन द नेबरहुड। हमारी टीचर क्यों कहती हैं कि हमने आसपास से जो गंदी जगह है वहाँ से पानी नहीं लेना चाहिए। क्या है, ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर। जो सारी मस्कीटो होती हैं वो एक आगे से आगे पैदा करते जाते हैं मस्कीटो, वो कहाँ होता है, पानी में ही होता है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन कूलर टायर फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो क्या नहीं करना चाहिए, हमने कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए पानी, जहाँ कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में, वहाँ क्या कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए पानी। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम द ब्रीडिंग। और अपने आसपास के आसपास की जगहों को क्लीन करना चाहिए और सुखा देना चाहिए, इसकी वजह से जो मस्कीटो हैं वो वहाँ पर नहीं रहेंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेयर्ड विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने ये फाइंड करना है कि कौन से एरिए को हमने बचा रखा है कि वहाँ स्प्रेड ना हो मलेरिया। नेक्स्ट है सम कॉमन, ये लिस्ट है सम कॉमन ह्यूमन डिशीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अलग अलग डिशीज़ हैं जो ह्यूमंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं, जैसे ह्यूमन डिशीज़ है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस, खांसी, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। ये बीमारी होती हैं जो ह्यूमन में होती हैं। और ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरिया से होती है, मेल्सिस वायरस से होती है, चिकन पॉक्स भी वायरस और पोलियो भी वायरस से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ट्यूबरकुलोसिस एयर के द्वारा, आगे भी एयर के द्वारा, नेक्स्ट चिकन पॉक्स भी एयर के द्वारा, और पोलियो एयर और वाटर के द्वारा होती है। प्रिवेंटिव मेयर्ड, इससे हम कैसे बच सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कम्प्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट होता है उसे कम्प्लीट आइसोलेशन यानी कि सुरक्षित रखना चाहिए दूसरों के कॉन्टैक्ट से। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट ऑलवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, और उससे बाकी पेशेंट्सों से या बाकी लोगों से अलग रखना चाहिए। वैक्सीन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे वैक्सीन देना है, वैक्सीन नामक मेडिसिन देनी चाहिए। नेक्स्ट है कलोरिया और थायपॉइड। कलोरिया हैजा होता है जो बैक्टीरिया नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थायपॉइड ये बीमारी होती है बैक्टीरिया से। ये कहाँ होती है, दोनों वाटर से होती है, ज़्यादा पानी पीने से हो जाती है या गंदा पानी पीने से जो थायपॉइड और क्लोरिया हो जाती है। मेंटेन, इससे क्या प्रिवेंशन है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। जो हमने अच्छी अपनी सफाई रखनी चाहिए यानी कि हाइजीन से बचना चाहिए और गुड हैबिट्स बनानी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैकेनाइजेशन क्या है, हमने जो अच्छी तरह पका हुआ फूड वो खाना चाहिए और पानी को गर्म करके खाना चाहिए और वैक्सीनेशन करनी चाहिए, वैक्सीन की मेडिसिन लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ये वायरस नामक वायरस से होता है, ये वाटर से ही होता है। ड्रिंकिंग, इससे क्या प्रिजर्वेशंस है, क्या कैसे बच सकते हैं, ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। हमने क्या करना है, गर्म करके पानी, उबाल के पानी, उबला हुआ पानी पीना है और वैक्सीनेशन करना है। नेक्स्ट है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से होता है, ये कहाँ से, सब मस्कीटो मच्छर जब एक आदमी को काटते हैं तो दूसरे आदमी से वो आगे से आगे बढ़ता रहता है मलेरिया। यूज़ मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट। हमने क्या करना है, मस्कीटो से जैसे वो
जाली नेट होता है उसको लगाना चाहिए, जो मस्कीटो को दूर भगाते हैं वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। इंसेक्टिसाइड की हेल्प लेनी चाहिए और आप खुद की जो आसपास की जगह हैं उसे साफ रखना चाहिए और वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए वहाँ पर, इससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। सम ऑफ अ कॉमन डिशीज इफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन गिवन इन अ टेबल 2.1। ये हमने डिशीज पढ़ी थी जो ह्यूमन को इफेक्ट करती है, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि हवा के द्वारा या वाटर के द्वारा कैसे होती है, और नेक्स्ट किया था हम उनसे कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट है डिशीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, और जानवरों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बीमारी बना देते हैं ये है। सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिशीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। जो एनिम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अकेले यही नहीं कि ह्यूमन और प्लांट में ही बीमारियां पैदा करते हैं, वो एनिमल्स को बीमारियां लगा देते हैं। ये क्या, रॉबर्ट कॉच 1876 डिस्कवर द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेक्स विच कॉज एंथ्रेक्स डिसीज। रॉबर्ट कॉच ने एक बैक्टीरिया खोजा था, डिस्कवर किया था, जिससे क्या हो जाती थी एंथ्रेक्स नाम की डिसीज होती थी। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। ये एंथ्रेक्स एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जो ह्यूमन और कैटल यानी कि पशुओं वगैरह को होती है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया की, बैक्टीरियम की वजह से। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, जो उसके जानवरों के पैरों में जब उनके मुंह में बीमारियां हो जाती हैं वो क्या होती है, वायरस से होती हैं। नेक्स्ट है डिशीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, प्लांट में कैसे बीमारियां होती हैं। यह है सर्वर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिशीज इन प्लांट लाइक अ वीट राइस पोटैटो शुगर केन ऑरेंज एप्पल एंड अदर। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिशीज होती हैं जैसे वीट में, राइस पोटैटो शुगर केन ऑरेंज एप्पल एंड अदर, ये प्लांट से जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ बना कर देते हैं। द डिशीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, जब फसलें लगती हैं तो ये बीमारियाँ हो जाती हैं वो क्या करती है, फसलों की जो मात्रा होती है, यील्ड होती है, उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिशीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ये बताए हैं डिशीज और किससे ये होता है और क्या है ट्रांसमिशन, ये बताया है। क्या लिखा है, ये दे कैन कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रो। इसको दूर भगाने के लिए बीमारी को हमें अलग अलग केमिकल का यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और हम बीमारी से बच सकते हैं, हम एनिमल्स बीमारी से बच सकते हैं। प्लांट डिशीज क्या है, जैसे सिट्रस हो गया, कैंकर हो गया, ये बैक्टीरिया से होता है और ट्रांसमिट यानी कि हवा के द्वारा होता है, ये फिकर है उसकी, ये कैसे होता है। फ्रूट में वो फ्रूट को क्या कर देता है, ब्लैक और येलो कलर का बना देता है। रस्ट ऑफ वीट यानी कि वीट में कैसे हो जाता है, जैसे जंग लगना वीट को, ये किसके द्वारा होता है, फंगी के द्वारा होता है, ये एयर में, एयर से होता है या सीड्स में पहले ही बीमारी होती है। ये क्या क्या करता है, पत्तों में येलोपन लेके आ जाता है, उससे छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं। या नेक्स्ट है येलो वाइन्स मोसेक ऑफ भिंडी ओपरा वायरस इंसेक्ट, ये है कि पत्तों में हो जाता है, येलो कलर के वो बन जाते हैं यानी कि वो पीले हो जाते हैं पूरे और आखिरकार में वो टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। भाजू वेयर इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड्स टू अ पार्टी एंड ही ईट अ वराइटी ऑफ फूड स्टफ, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। भाजू एक पार्टी में गया था जिसमें उन्हें उसके फ्रेंड में पार्टी में उसे इनवाइट किया था, उसने बहुत सारा खाना खाया और जब वो घर आया तो उसे उल्टियाँ वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। ही हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। डॉक्टर सेड टू दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, और डॉक्टर ने बताया कि ये कंडीशन इसलिए हुई उसकी क्योंकि फूड पॉइजनिंग की वजह से। पहली वंडर्ड हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, वो पहली सोचने लगी कि ये फूड कैसे पॉइजन होता है, कैसे जहरीला हो जाता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है,
वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ख़राब कर देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन अवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस, जो खतरनाक केमिक टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसमें प्रोड्यूस बना देते हैं. दिस मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. ये जो फूड पॉइजनिंग होती है यानी कि खाना जहरीला हो जाता है वो क्या हो, उससे क्या हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं और ऐसे भी डेथ भी हो सकती है. सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. और इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खाने को ढक कर रखें, यानी कि उसे प्रिजर्व रखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसे सुरक्षित रखें ताकि वो स्पॉइल ना, ख़राब ना हो. नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन. हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि हम फूड के ग्रेन को कैसे स्टोर करके रखते हैं और कैसे उनको प्रिवेंट रखते हैं. हाउ डू यू प्रिजर्व फूड कुक्ड फूड एट होम, और हम कुक जो पका हुआ खाना उसे हम घर पे कैसे स्टोर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस. हम देखते हैं जो ब्रेड होता है जब हम इसको ऐसे ही अन रख जाते हैं जैसे मॉइस्ट कंडीशन में नमी ज़्यादा हो तो वो क्या करता है, जो फंगस होती है उस पर अटैक कर देती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड. स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. इट इज़ अ स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं. जो ख़राब हुआ खाना होता है उसमें क्या गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है. क्या ये जो खाना ख़राब हुआ होता है वो केमिकल रिएक्शन है. पहली ब्रॉड सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू टाइम फ्यू डेज. पहेली क्या लेके आई, मैंगो लेके आई कुछ, और उसने उसे खाया नहीं, कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया. लेटर शी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटन. उसने देखा कुछ दिनों बाद कि वो जो मैंगोज थे वो ख़राब हो चुके थे, सड़ गए थे, रोटन हो गए थे. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो सोच रही कि उसकी ग्रैंड मदर थी वो मैंगो का अचार बनाती थी तो वो कैसे स्पॉइल नहीं होता, तो वो कैसे लंबे समय तक चलता था. शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज़ हो गई. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिवेंट प्रिजर्व फूड इन आवर होम. और कुछ मेथड ऐसे पढ़ेंगे जिसको फूड को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं घरों में. वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक से बचा सकते हैं. फर्स्ट है केमिकल मेथड. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉल्ट और एडिबल जो खाने वाला ऑयल होता है उसकी वजह से केमिकल मेथड है जिसकी वजह से हम उसकी ग्रोथ को माइक्रो ग्रोथ को कम कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी ग्रोथ है. Therefore, they are called a preservatives. और इसीलिए हम इनको salt और edible oil को preservatives कह सकते हैं. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microorganisms. अचार पर हम salt डाल देते हैं या acid डालते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब होने से microorganism के attack से बच जाता है. Sodium bisonate and sodium metabisulfate is a common preservatives. और sodium बेंजोनेट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट एक ये कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं. दे आर आल्सो यूज्ड इन द जैम्स एंड सॉसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. और ये जैम और सॉसेस होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है यानी कि वो ख़राब ना हो. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. जो घर पे सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट उससे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिशेज फॉर एजेस. हाँ, जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो मीट या फिश को काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकता है. मीट एंड फिशेज आर कवर्ड विद अ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आमला रॉ मैंगोज एंड टर्मिनेंट एक्सेट्रा. जो ये नमक होता है उससे क्या मीट और फिश को कवर कर देना चाहिए ड्राई सॉल्ट से. और ये जो क्या बैक्टीरिया को उसमें
अंदर जाने नहीं देता, यानी कि उसे स्पॉइल करने नहीं देता। सॉल्ट इज आल्सो सॉल्ट यूज होता है आमला को सुरक्षित रखने के लिए, या मैंगो को या टर्मेंट को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी शुगर से हम कैसे प्रिजर्व्ड हो सकते हैं। जैम्स, जेलीज एंड सॉसेस आर प्रिवेंटेड प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर ऑफ कंटेंट विच इनहेबिटेड द ग्रोथ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जैम्स, जेली या सॉसेज होती हैं, उनमें शुगर डाली जाती है ताकि वो बच सके बैक्टीरिया से। वो शुगर क्या करती है, वो फूड में जो नमी मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म कर देती है, कम कर देती है फूड में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जा पाते और फूड ख़राब होने से बच जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी कि सुरक्षित रखना ऑयल से और विनेगर से कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन अ सच एज इन्वायरमेंट। ऑयल और विनेगर, हम अचार में ऑयल और विनेगर इसीलिए डालते हैं ताकि वो बैक्टीरिया हैं वो उसमें ना जा सके पिकल्स में और वो सुरक्षित रह सके, इसीलिए विनेगर एंड ऑयल यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल फ्रूट फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स एंड फिश मीट, वो इसके द्वारा ही सुरक्षित किए जा सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये आ गया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसके बचाया जा सकता है बैक्टीरिया से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइल्ड मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज। हमने देखा होगा कि हमारी मदर क्या करती है, मिल्क को स्टोर करने के लिए या यूज़ करने से पहले वो क्या करती है, उस मिल्क को गर्म कर देती है, बॉयल करती है। बॉयल्ड किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो जब हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को, वो क्या कर देती है, किल कर देती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, इसीलिए हमें दूध गर्म करके रखना चाहिए। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। जो हमारा फूड होता है उसे हमें फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए ताकि लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, जो ठंड ज़्यादा ठंडक होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम किया जा सकता है। वाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पेस्चराइज्ड। वट इज़ पेस्चराइजेशन। जो मिल्क होता है पैकेट में बंद होता है वो क्यों नहीं ख़राब होता, तो वो बोल रहा है कि मेरी मदर ने बताया कि ये मिल्क क्या होता है, पेस्चराइज होता है, और आगे जाना कि पेस्चराइज क्या होता है। पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉयलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या होता है, उसे बॉयल भी नहीं किया जाता और उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं वो भी नहीं होते। द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 degrees Celsius टू 15 to 13 seconds एंड देन सडन चिल्ड एंड स्टोर्ड। उसे यानी कि उसे जो गर्म किया जाता है 70 degrees Celsius, यानी कि जब वो बनता है, घर में आके उसे बॉयल नहीं करना जरूरी है, वो जब बनता है तो उसे 70 degrees Celsius पे गर्म किया जाता है 15 या 30 seconds के लिए और उसे बाद में स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। ये करने से सुरक्षित रखा जा सकता है माइक्रोब से। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्टर इज कॉल्ड अ पेस्टराइजेशन। और इसे क्या लुइस पास्टर ने बनाया था, जिसने अपने नाम पर उसका नाम लिख रख दिया पेस्टराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग आगे है, स्टोर करना और पैकेज करना। दिस डे ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुरक्षित रखना तो उसे क्या करना चाहिए, सील करके रखना चाहिए, उसको किसी बंद डब्बे में रख देना चाहिए ताकि वो प्रिवेंट किया जा सके अटैक ऑफ माइक्रोब से। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि इन्वायरमेंट में जब सॉइल में नाइट्रोजन कैसे फिक्स रहती है। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 और 7। हमने पिछली क्लासेस में बैक्टीरियम यानी कि राइजोबियम के बारे में पढ़ा है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिगुमिनस प्लांट। जे जो राइजोबियम किसमें हेल्प करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके रखता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगोमियस प्लांट सच बीन्स एंड पीज विद विच
इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो क्या करता है लेगुमिनस ट्री सॉरी प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनके वो गांठ बनी होती है उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि बीन्स और पीज हो गए, मटर। इसमें सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, और नाइट्रोजन किसके द्वारा फिक्स की जाती है, एक और एक्शन है लाइटनिंग एक्शन। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन कॉन्स्टेंट, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की अमाउंट है जो हमारे एटमोसफियर में वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि वही रहती है जो पहले थी। यू मे वंडर हाउ, वो ये कैसे होता है, यानी कि जैसे 71 है तो आगे भी 71 रहेगी, 71 ऐसे ही कॉन्स्टेंट रहती है, कम और ज़्यादा नहीं होती, ये कैसे पॉसिबल होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, आगे हम इसे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, और एटमोसफियर 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। जो नाइट्रोजन होती है वो भी हमारे लिए क्या बहुत जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ में, जैसे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड एंड विटामिन होती हैं। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल, जो नाइट्रोजन होती है वो सीधे तौर पे ही प्लांट्स और एनिमल को में नहीं ली जाती। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। वो सीधे तौर से नहीं ली जाती प्लांट्स और एनिमल के द्वारा, वो कुछ बैक्टीरिया होती हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो उसे सॉइल में फिक्स कर देती है नाइट्रोजन में, और उसे चेंज कर देती है नाइट्रोजन के छोटे छोटे कंपाउंड्स में चेंज कर देती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, और उसके बाद वो क्या कर देती है, नाइट्रोजन कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल कंपाउंड में। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, और ये कैसे ली जाती है प्लांट के द्वारा, उसकी जड़ों से ली जाती है जो सॉइल में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, वो नाइट्रोजन होती है वो उसे फूड बनाने में भी हेल्प करती है, यानी कि प्रोटीन या अदर कंपाउंड देती हैं। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, वो जब वो एनिमल उस प्लांट को खाते हैं तो जो प्रोटीन होती है या अदर कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन को, वो एनिमल के द्वारा खाए जाते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, जो प्लांट ख़त्म हो जाते हैं या एनिमल ख़त्म हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो उस डेड बॉडी को, प्लांट की जो एनिमल्स की बॉडी को, वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है वो फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर प्लांट के द्वारा यूज़ की जाती है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम टू नाइट्रोजन गैस विच डज द बैक इन टू द एटमोसफियर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ पार्ट होता है नाइट्रोजन गैस का वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देती हैं और वो एटमोसफियर में फिर बैक चली जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट, और इसकी वजह से जो नाइट्रोजन का अमाउंट है, परसेंटेज है एटमोसफेयर में, वो वैसे का वैसे ही रहता है, ना तो कम होता है और ना ज़्यादा। ये है आगे फ्लो चार्ट बना रखा है कि नाइट्रोजन साइकिल का। फर्स्ट है हमारे फर्स्ट बॉक्स में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, हवा में प्रेजेंट होती है, उसका क्या करते हैं, उसका फर्स्ट एरो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एंड एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वो क्या करती है फर्स्ट पार्ट में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी से और उसे एटमोसफियर का नाइट्रोजन में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया इज टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो बैक्टीरिया वो क्या करता है फिक्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज कर जाता है। नेक्स्ट आगे जाता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो जो कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट ये कंपाउंड होता है वो जो कुछ बाकी पार्ट होता है वो नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाता है, और गैस में चेंज हुआ
नाइट्रोजन वो कहाँ चला जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सेकंड है जो लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, जो एक पार्ट है जिसके नाइट्रोजन की लाइटनिंग की जाती है और फिक्स की जाती है, वो किस में जाता है, फिर हवा में जाता है, फिर सॉरी सॉइल में जाता है। कंपाउंड है जो नाइट्रोजन के सॉइल में जाते हैं और फिर क्या जाता है, उसका एक पार्ट होता है वो गैस में चेंज हो जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, और कुछ पार्ट वो प्लांट के द्वारा लिया जाता है, जो सॉइल में मिक्स होता है वो कुछ पार्ट है प्लांट के लिए लिया जाता है, और कुछ पार्ट गैस में चेंज हो जाता है। जो प्लांट में लिया गया है वो आगे क्या जाता है, प्लांट को एनिमल खाते हैं, और एनिमल्स ईट प्लांट नाइट्रोजिनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सट्रीशन एंड डेथ। जब प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं और उसकी बॉडी से जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है फिर नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में, और वो सॉइल में रहती है, और वो क्या करती है फिर नाइट्रोजन फिर यूज़ की जाती है प्लांट्स के द्वारा, और ऐसे ही सर्कल चला जाता है, उसे हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।